हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे COVID-19 में होने वाले ड्रग्स के बारे में। भारत में कोरोना वायरस का सेकेंड वेव मार्च में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन अप्रैल मिड आते आते ये हालत हो गई है कि 2 लाख केस रोज हो रहे हैं और 1,000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। दवाइयों के लिए खासकर रेमडेसिविर, फाविपिराविर और टॉसिलुज़ुमैब के लिए लोग जो हैं लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और दवाएं नहीं मिली। और मैं एक बात बता दूं, जिन लोगों पर पड़ रहा है, जिनके घर वाले अस्पताल में हैं और डॉक्टर कह रहा है कि रेमडेसिविर लेके आइए और फेविफ्लू लेके आइए आप, तो नहीं मिल रही है, तो लोगों को वो एहसास हो रहा है किस तरह से जो है टॉसिलुज़ुमैब के लिए लड़ाई हो रही है और जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लोग जो है नहीं मिल रहा है तो सोच रहे हैं कि मेरे माँ बाप कैसे बचेंगे। तो बात स्टार्ट करने से पहले एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि ये सारी ड्रग्स अभी तक COVID-19 की कोई भी कारगर दवा ईजाद नहीं हो पाई है। ये सारी दवाएं कुछ लोगों में फायदेमंद हो रही हैं और वो भी जो हैं 1-2% लोग हैं, और बाकी में अभी तक जो है वो कारगर नहीं हो रही हैं। ये सारे अभी ट्रायल ही चल रहे हैं। तो अगर आपको ये दवाएं नहीं मिल पा रही हैं तो ये मत सोचिएगा, अगर आपके माँ बाप को ये दवा आप नहीं खोज कर दे पा रहे हैं अपने चाहने वालों को जो आईसीयू में है और डॉक्टर कह रहा है ये दवा लेके आइए और लगानी ज़रूरी है और आप नहीं वो प्रोक्योर कर पा रहे हैं, तो घबराइएगा मत। ये अपने दिल को ये बताइएगा कि ये ड्रग अभी उतनी कोई कारगर मिराकल ड्रग नहीं है कि वो उसको एकदम COVID-19 को ठीक ही कर देगी। तो आज हम लोग पहले रेमडेसिविर से आते हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरह से गुजरात के जाइडस हॉस्पिटल में और हर जगह जो है लंबी कतारें लग के लोग जो हैं रेमडेसिविर की वो ले रहे थे, खोज कर रहे थे। हालांकि ये जो है ड्रग 1,200-1,000 रुपए का वायल आता है, लेकिन ब्लैक मार्केट में 10,000-20,000 रुपए पर वायल बिक रही है। अब आप ये सोचिएगा, 200 mg IV लोडिंग डोज है और 100 mg क्वार्टरली यानी 4 times in a day फॉर 10 days इसको लगाना है, यानी कि आपको करीब करीब 50, अगर ब्लैक में 10,000 रुपए का एक वायल लेते हैं तो 50,000 रुपए का आपका खर्चा एक दिन का और 10 दिन का मिला के 5 लाख रुपए हो गया। हाँ, सरकारी अस्पताल में आपको मिल जाए या आपको सस्ते रेट में मिल जाए तब तो ठीक है, वरना 5 लाख रुपए खर्च करना मुझे लगता है कि आप ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दूसरी चीज़ों पे खर्च कर देंगे तो बेहतर होगा। एफडीए ने अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उसको जो अप्रूवल दिया है वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का दिया है, और WHO ने अभी रिसेंटली अक्टूबर में ये साफ कहा था कि ये रेमडेसिविर कोई कारगर नहीं है और इसका यूज अभी नहीं जनरल तरीके से करना चाहिए, कुछ सिलेक्टेड पेशेंट में ही इसको करना है। चाइना ने भी इसको बैन किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 साल होने जा रहा है और अभी तक हमारे इंडिया में कोई डेटा रेमडेसिविर का हमारे हजारों लोगों को दिया जा चुका होगा, लेकिन अभी तक कोई डेटा नहीं आया, कोई रिसर्च नहीं हुआ है इस पर। ये सबसे बड़ी दुखद की बात है। दूसरी ड्रग की जो मार हो रही है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो टॉसिलुज़ुमैब है, टॉसिलुज़ुमैब के बारे में जो एक्टेमरा के नाम से आती है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, यानी एंटीबॉडीज जो कोरोना वायरस के जाके बाइंड कर देती है वायरस को, अच्छी चीज़ है ये। और बाकी बीमारियों से रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन उसमें आती है, लेकिन अभी तक जो है ये COVID-19 में बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो पाई है, और इसी वजह से जो है इवन दो FDA ने इसको अप्रूव किया था, फिर हेजिटेंसी वापस लिया गया इसको, और WHO ने भी इसको अभी रिकमेंड नहीं किया है। अब आप ये सोचिए, ये दवा अभी मुझे कुछ दिन पहले एक मेरे मतलब फेसबुक फ्रेंड ने मुझे बहुत कहा कि आप पता कीजिए यहाँ से वहाँ से, उनके चाचा बीमार थे और करीब 1 लाख रुपया उन्होंने खर्चा किया इस दवा को प्रोक्योर करने में।
इसकी डोज जो होती है 4 mg पर के जी आईवी इसको देना है एक बार में, मैक्सिमम 800 mg दे सकते हैं और 162 mg सबक्यूटेनियस देते हैं। दूसरे जो है ये रेगनेयर का जो है को टू कॉकटेल आता है और ये आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये भी क्लिनिकल ट्रायल ही हो रहा है। फिर आता है ब्लड प्लाज्मा की बात हो रही कि जो लोग जो हैं जिनको कोविड 19 हो चुका है, रिकवर कर चुके हैं, वो अपना प्लाज्मा दे दें और वो प्लाज्मा जो है दूसरे अगर उसमें अच्छी खासी एंटीबॉडी की मात्रा है तो वो प्लाज्मा कोविड 19 के पेशेंट में यूज़ हो सकता है और मदद कर सकता है। ये भी अभी प्रूवन नहीं है, तो मतलब ये सब कुछ ट्रायल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लाज्मा दे दिया और दूसरा बंदा जो है ठीक हो गया कोविड 19 से, चांसेस हैं और वो भी बहुत कम चांसेस हैं। तो मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी दवाएं चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो, चाहे वो क्या कहते हैं प्लाज्मा हो, आपके माँ बाप को या आपके चाहने वालों को अगर नहीं मिल पा रहा है, आपकी बहुत जद्दोजहद से आप 5 लाख रुपया नहीं खर्च कर पा रहे हो, तो दिल को मायूस नहीं कीजिए। मिल जाता है तो अच्छी बात है, दे दीजिए। मेरा ये कहना है कि भाई कंपनियां ट्रायल भी कर रही हैं और आपकी ड्रग्स का और आप ही से पैसे भी ले रही हैं, बात समझ ना। FDA ने इसको जो है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जरूर दिया हुआ है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ और चाइना ने जो है वो अभी कोई अप्रूवल नहीं दिया है। आपको याद होगा किस तरह से स्टार्टिंग में जब कोविड 19 स्टार्ट हुआ था तो क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मलेरिया में की ड्रग्स थी, इसके अलावा आइवरमेक्टिन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। आज भी लोग आइवरमेक्टिन को देने की को कह रहे हैं, उसको देते हैं, पर का कोई बेनिफिट नहीं आया, मतलब मोर्टलिटी में यानी जान बचाने में इसका कोई बेनिफिट नहीं आया है। डेक्सामिथासोन, यस हाँ, डेक्सामिथासोन जो है अगर 6 mg per day फॉर 10 डेज, अगर डेक्सामिथासोन जो कि स्टेरॉइड है जो कि सप्रेस करती है, अगर डेक्सामिथासोन को सीवियर पेशेंट में यानी कि जो पेशेंट वेंटिलेटर में चला गया है या मॉडरेट टू सीवियर कोविड 19 पेशेंट में यूज़ किया जाता है तो शायद कुछ बेनिफिट है। और बहुत सस्ती ड्रग होती है ये, समझ लीजिए 4-5-10 रुपये की, तो ये डेक्सामिथासोन, लेकिन डेक्सामिथासोन का भी अभी प्रूवन नहीं है कि ये कितनी मदद कर सकती है। एंटी एचआईवी ड्रग्स हमने यूज की, लोपिनावीर, राइटोनावीर, इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन, आपको याद होगा एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन का कॉम्बिनेशन दिया गया और जिसकी वजह से बहुत से कार्डियक प्रॉब्लम आई और बहुत से लोगों की मोर्टलिटी हो गई आइवरमेक्टिन और एजिथ्रोमाइसिन की कॉम्बिनेशन की वजह से। टेमीफ्लू, आप बहुत से में से लोग पूछते हैं कि टेमीफ्लू जो है ओसल्टामिविर जो है यूज़फुल है कि नहीं, तो ओसल्टामिविर जो है वो यूज़फुल नहीं है, टेमीफ्लू अभी इस कोविड 19 यानी कोरोना वायरस के खिलाफ अभी इफ़ेक्टिव नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं फेबीफ्लू की, फेविपिराविर की, ये भी जो है ड्रग ट्रायल पे चल रही है और अभी इसका कोई रिकमेंडेशन अभी नहीं हुआ है कि इसे यूज़ किया जाए। 1800 mg जो है फर्स्ट डे, यानी कि आपको करीब करीब 9 टैबलेट जो है खानी पड़ेगी, उसके बाद जो है 800 mg BD यानी 4 टैबलेट सुबह 4 टैबलेट शाम को, वो करीब करीब 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए खानी इतनी है, करीब करीब 10,000 रुपये का पूरा टोटल है। ये सबसे अच्छी बात है कि मुँह से ली जा सकती है। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, जो ड्रग अभी कोविड 19 में यूज़ हो रही है, रेमडेसिविर जिसे जो है विद इन 10 डेज 9 to 10 डेज यूज़ करना है। गाइडलाइंस ये कहती है कि मॉडरेट कोविड 19 में यूज़ कर सकते हैं, बहुत महंगी नहीं है, 1400-1500 का एक वायल आता है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो 10,000 रुपये का मिल रहा है। अगर आपके पेरेंट्स को मतलब अपने चाहने वालों को नहीं मिल पा रही है तो कोई वो घबराने की बात नहीं है। दूसरी ड्रग जो होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़,
और इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर्स यानी कि टॉसिलिज़ुमैब है, उसका भी अभी कोई बहुत इफेक्ट नहीं है और वो भी लाखों रुपए की आती है। ब्लड प्लाज्मा जो कन्वेंशनल प्लाज्मा के है वो भी विद इन 3 डेज के जो है अगर दिया जाए डायग्नोसिस के तो ही यूजफुल है। फेबीफ्लू, आइवरमेक्टिन, टैमीफ्लू, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, एंटी एचआईवी ड्रग्स, कोल्चिसिन, ये सारी भी अभी कोई बहुत मदद नहीं कर रही हैं। तो जो मेन अभी जो ड्रग मेन यूज हो रही है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, रेमडेसिविर और ये डेक्सामेथासोन है, ये 3 ड्रग्स हैं। लेकिन ये फिर मैं बार बार कहना चाहूँगा कि ये तीनों ड्रग्स भी अभी ट्रायल हो रहा है, यानी कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में FDA वगैरह ने दिया है, तो ये ट्रायल हो रहा है। मतलब आपके पेरेंट्स को, आपके मतलब मरीज को वो बचा पाएगा कि नहीं ये डॉक्टर भी नहीं जानता है, वो ट्राई कर रहा है, वो दे रहा है, बच गए तो ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। और 100 में से 2 लोगों की वो जान शायद बचा पाए, पर अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। लॉन्ग जो है, जो हजारों पेशेंट के ऊपर जो स्टडीज आती है वैसी स्टडीज नहीं है। जैसी आपकी मान लीजिए वैक्सीन की हो गई है स्टडीज जो है, फेज 3 ट्रायल आ गया है तब लोग यूज कर रहे हैं वैसा। और हमें तो, मुझे तो इस बात की हैरानी होती है कि इंडिया में रेमडेसिविर का इतना ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग और स्कैम हो रहा है और लोग बेचारे कितना जिनके पेरेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में होंगे वो इस बात का एहसास करते होंगे, और फिर भी सरकार ने अभी तो 1 साल हो गया किसी बड़े हॉस्पिटल में, चाहे एम्स हो, ICMR, कोई बड़ा जो है ट्रायल नहीं हुआ। होना चाहिए था, अब तक तो रिजल्ट आना चाहिए था कि कितनी यूजफुल है। तो भाई लोग, मेरे सब लोग, एक बात बस इतना कहना चाहूँगा कि अभी कोई मिराकल दवा नहीं है, अभी कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है COVID-19 का। बचना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और हाथ धोते रहना है, मास्क लगाए और ये फेस को साफ करते रहना है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 14 दिन होता है कोरोना वायरस का, और 3 से 6 हफ्ते तक लग सकते हैं आपको पूरा रिकवर नहीं करने में। अगर किसी को COVID-19 हो गया है और एसिम्प्टोमेटिक है, घर में आप पल्स ऑक्सीमीटर रखिए, सेचुरेशन देखिए, थर्मामीटर रखिए, बुखार चेक करिए, और कुछ दवाएं अपने घर रखिए। जैसे किसी को भी अगर शक हो आपको, तो रेस्ट लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आपको आराम करना है, आपको ढेर सारा लॉट ऑफ फ्रूट्स इनटेक, यानी कि बहुत सारा पानी पीजिए, शरबत पीजिए, और तीसरी सबसे बड़ी बात है पैरासीटामोल लीजिए, बुखार होने पे, बदन दर्द होने पे 6-6 घंटे 4-4 घंटे पे ले सकते हैं। विटामिन सी, जिंक, मल्टीविटामिन, विटामिन डी कुछ लोग रिकमेंड कर रहे हैं, ले सकते हैं। बहुत दिनों तक नहीं, 14-15 दिन आप खा सकते हैं, बहुत दिनों का उसका भी अपना नुकसान होता है। तो ये विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक और मल्टीविटामिन ये आप ले सकते हैं, जो भी डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है। जब भी आपको आइसोलेट, अगर कोई आपके आसपास कोरोना पॉजिटिव हो गया है, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, क्वारंटाइन कीजिए। थैंक यू।